एमपी विधानसभा चुनाव में अब प्रचार के लिए एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं के बयान और तीखे होते जा रहे हैं। रावण, कंस, अहिरावण से लेकर पांडवों तक की एंट्री हो चुकी है एमपी में। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को प्रचार में झोंक दिया है, लेकिन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हो रही थी। राहुल गांधी भी गुरुवार को एमपी पहुंचे, जहां उनकी दो सभाएं और एक रोड शो थी, और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के साथ ही शिवराज सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल ने अपने सभा में आदिवासी से लेकर किसान और व्यापारियों से लेकर युवाओं तक की बात की है। राहुल की सभाओं के चलते कांग्रेस लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है, और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे राहुल के तीखे वार की। नमस्कार, मैं निकिता। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी की पहली सभा अशोकनगर जिले में थी, जिसे सिंधिया का गढ़ माना जाता है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के प्रभाव वाला क्षेत्र भी माना जाता है। राहुल गांधी ने जनसभा की शुरुआत में कहा कि मैंने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की है, और इस यात्रा के दौरान मैं एमपी से भी गुजरा और इस देश को बहुत करीब से देखा है। इस दौरान मैंने हजारों युवाओं से बातचीत की, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर तो कोई वकील, लेकिन आखिर में सवाल वही था कि पढ़ाई के बाद भी अधिकतर बेरोजगार युवा क्यों हैं? इस महान देश को देखने लगा। दो तीन सवाल मेरे दिमाग में थे, मैं अपने आप से इस यात्रा पे पूछ रहा था। पहला सवाल यह था कि ये करोड़ों लोगों का देश, लाखों करोड़ों युवा हैं, इतनी ऊर्जा है, इतना डायनामिज्म है, इतनी शक्ति है, मगर इन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? जहां भी मैं गया, किसी भी युवा से मैं पूछता, भाई क्या कर रहे हो? काम नहीं है, बेरोजगार हूं, क्या पढ़े? इंजीनियर बनना चाहता था, इंजीनियरिंग मैंने की, डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल पढ़ाई की, आज क्या कर रहे हो? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, चुप हो जाते थे, मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। और फिर कहते थे, नहीं राहुल जी, बेरोजगार है। तो मेरे दिल में, दिमाग में यह सवाल उठा कि इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं? इसका कारण क्या है? आपको बता दें कि मंच पर तीन विधानसभा सीट अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी के उम्मीदवार मंच पर मौजूद थे। राहुल की सभा का असर शिवपुरी और गुना जिले की विधानसभा सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान की सरकार के बजट को 90 ऑफिसर्स मिलकर बांटते हैं। मैंने पूछा, इनमें से आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने? कोई नहीं बता पा रहा है। केंद्र में 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी हैं। हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो तो ओबीसी 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप मुझे समझा दो, ओबीसी वर्ग की शिक्षा के पैसे कहां से आएंगे? राहुल गांधी ने आगे कहा कि ओबीसी की प्रगति कैसे होगी। एक युवा ने कहा, बेरोजगार हूं, इंजीनियर की पढ़ाई की है, किसी ने मेडिकल की पढ़ाई की है, कहते थे राहुल जी बेरोजगार हैं, इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं? मीडिया को देखो तो लगता है कि देश में लोग नफरत से भरे हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा पर निकला तो प्यार और मोहब्बत मिली। मोदी जी ने 2-3 दिन पहले कहा, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। एक तरफ कहते हैं मैं ओबीसी हूं, दूसरी तरफ कहते हैं मैं ओबीसी हूं। मैंने जो देखा वो बताता हूं। यात्रा में जो लोग मिले वो कहते थे मैं ओबीसी हूं, दलित हूं, आदिवासी हूं। इन लोगों को हिंदुस्तान को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है, और क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने, देखिए इस वीडियो में। मीडिया को आप देखो तो लगता है कि देश के लोग
नफरत से भरे हुए हैं। मगर जब मैं निकला, नफरत मुझे कहीं नहीं मिली, सिर्फ मोहब्बत, आदर, रिस्पेक्ट, प्यार मिला। मैंने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो आपने सुना राहुल गांधी को, उनके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि युवा बेरोजगार क्यों हैं। वैसे सवाल उन युवाओं के दिमाग में भी उठ रहा होगा जो सच में बेरोजगार हैं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना कराने पर भी बात करते हुए कहा कि जब मैं बेरोजगार युवाओं से मिला था तो मैं उनसे सवाल पूछता था कि आपकी जाति क्या है। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं ओबीसी हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत में एक जात है और वो है गरीब। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्राइवेटाइजेशन और अडानी को लेकर के भी मोदी पर निशाना साधा है और बीजेपी की सरकार चलाने के तरीके को बताया है। क्या बोला है राहुल गांधी, देखिए इस वीडियो में। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी, कहते सारा प्राइवेट कर दो, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया, और दो तीन चार लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी। ये अडानी बना कैसे? आपने कभी सोचा ये अडानी एयरपोर्ट खरीद लेता है, पोर्ट्स खरीद लेता है? मैं आपको बताता हूं, आपके जेब में से पैसा निकलता है कैसे? जीएसटी के माध्यम से। आप टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं लग रहा, आपने कुछ खरीदा, एकदम उसमें टैक्स गया। जीएसटी को ओबीसी, दलित, आदिवासी टैक्स कह देना चाहिए। ये लो, आप लोग टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा जा रहा है सरकार में, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रही है और अदानी जी को पब्लिक सेक्टर बैंक लोन दे रही है। यहां पे कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है जिसको बैंक ने बैंक लोन दिया? नहीं मिल सकता। अगर आपका नाम अदानी होता, लाखों करोड़ रुपए आपके हवाले हो जाते। तो बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है, आप में नफरत फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है, डायरेक्ट। तो दो सरकारें चल सकती हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में हर मुद्दों को उठाया है और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहले दलित, आदिवासी और किसानों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही है। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।